आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेस्टोरेंट से भी अच्छा आलू गोभी मटर की सब्जी। ये खाने में इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि आप एक बार घर पे बनाएं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं देसी चेस का किचन। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए हम यहाँ पे पतीले में सबसे पहले 1/2 लीटर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद हमने आलू रखा था 200 ग्राम के करीबन, उस आलू को पहले छील लेना। मैंने छील के रख लिया है, आप भी छील लें। और उसे कट कर लिया है छोटा छोटा स्मॉल साइज में, क्यूब साइज में। तो आप थोड़ा साइज अपने हिसाब से देख ले, बड़ा छोटा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आलू मैंने ऐड कर दिया। अगर आप फूलगोभी को चाहे तो बॉईल कर सकते हैं या नहीं करे तो फ्राई कर सकते। जब हमारा आलू बॉईल हो रहा होगा हम उसमें हल्का सा एक चुटकी हल्दी डाल देंगे, क्योंकि उस टाइम हल्दी डालने से कलर हमारा बहुत सुंदर सा लगेगा। तो चलिए फाइनली आलू हो चुका हमारा बॉइल्ड। देखिए आलू बॉइल्ड होने के बाद कलर कितना सुंदर सा लग रहा है। आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो आलू को इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं क्योंकि वो बॉइल्ड है, बॉइल्ड आलू ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने। तो चलिए आलू को हम फ्राई कर लिए, आलू को हम अब निकाल लेते। तो यहाँ हो चुका है हमारा आलू फ्राई, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा तेल गरम है, तो चलिए फूलगोभी को भी हम तेल में डाल देते हैं। चलिए फूलगोभी भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो में आप बोरिंग हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बनाने का कोशिश करते हैं, तो पूरा डीपली नहीं दिखा पाते हैं। और एक बात, फूलगोभी आप थोड़ा कम फ्लेम में ही पकाएं क्योंकि बहुत जल्दी जलने लगता है। तो स्लो स्लो पकेगा तो अंदर तक वो पक जाएगा बढ़िया से। तो चलिए 2 चम्मच हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल ऐड कर लिया है और चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर 1-1 चम्मच दोनों मैंने लिया है। तो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा अदरक और लहसुन गोल्डन फ्राई हो जाए तब उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने ऐड करने के बाद थोड़ा प्याज जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, उसके बाद हरा मटर यूज़ करेंगे। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सूट नहीं हो पाया, उसके कारण मैं डायरेक्ट हरा मटर में ले आया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा, हम हल्का सा पानी डाल देंगे। यहाँ मेरा हरा मटर फ्रेश था, पास फ्रोजन वाला होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्रोजन वाला मार्केट में इजिली मिल जाता है। हरा मटर में पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम उसे अच्छा से चलाएंगे क्योंकि पानी ही रहता है तो थोड़ा सा सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फाइनली हमारा पानी सूख चुका है, फाइनली 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब हमारा पानी जो है वो सूख चुका है। तो चलिए पानी हमारा सूख चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। तो चलिए मसाला हम ऐड कर लेते हैं। सारा मसाला हम 1/2 चम्मच करके यूज़ करेंगे। तो हाँ, नमक हम यहाँ 1/2 चम्मच यूज़ कर रहे हैं और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और लाल मिर्च भी 1/2 चम्मच ही यूज़ करेंगे। ध्यान रहे आपको 1/2 चम्मच करके ही सारा चीज यूज़ करना है। तो चलिए किचन किंग मैंने 1/2 चम्मच यूज़ किया और हल्दी थोड़ा सा कम यूज़ करना है। तो सारा मसाला डालने के बाद हमारे पास 2 मसाला और बच चुका है। तो 2 मसाला वो क्या है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये भी हमें 1/2 चम्मच ही डालना है। तो हल्दी पाउडर जो है वो थोड़ा 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डालना है। तो यहाँ हमारा सारा मसाला डल चुका है, तो इसे हम कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। तो देखिए हमारा ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। तो पानी हम बाद में यूज़ करेंगे सब्जी डालने के बाद। तो आलू और फूलगोभी जो हमने फ्राई करके रखा था उसे भी हमने ऐड कर दिया मसाला में, और मसाला में ऐड करने के बाद हम इसमें पानी यूज़ करेंगे 1/2 कप के करीबन। तो फाइनली सारा प्रोसेस तो हमारा रेडी हो चुका है, बस इसे हमें 5 से 6 मिनट पकाना है। 5 से 6 मिनट पकने के बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो फाइनली 5 से 6 मिनट हो चुका है हमारा। तो यहाँ हमारा आलू गोभी मटर हो चुका है रेडी, तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। आलू गोभी मटर का रेसिपी आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट पे जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।